नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं कि क्या एसएससी सीएचएसएल सीएचएसएल जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे एग्जाम होता है, एसएससी कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में मार्केट में किस तरह की जॉब है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो, और आने वाले टाइम में किस तरह की जो ये जॉब है उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ये पार्ट वन है। दूसरी प्रेजेंटेशन में हम लोग सीएचएसएल के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे। इसमें सिर्फ ओवरऑल हम पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएचएसएल का एग्जाम में ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उसका फॉर्म निकलने वाला है 2017 के लिए, क्योंकि 2017 का हुआ नहीं है अभी तक, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2018 में हो रहा है 2017 का, तो हम इसको 2017 सीएचएसएल ही बोलेंगे आने वाले टाइम में। तो इसका अभी 18 तारीख को संभावना है कि ये इसका फॉर्म निकले, या हो सकता है एक दो दिन डिले भी हो सकता है। और फिर 26-3 मतलब मार्च में इसका एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आप ये देखिए कि 3 महीने तो मार्च वाले, लगभग 4-3.5 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है, 3-4 महीने के बीच में टाइम है। तो आप क्या प्रिपेयर कर पाएंगे इतने टाइम के दौरान, क्योंकि ये एग्जाम भी जैसे एसएससी सीजीएल होता है उसी लेवल पे होता है। जैसे मैंने बताया कि हम देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी जॉब आज के टाइम में मार्केट में है जिसपे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या उसमें से चूज कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी पीसीएस, यूपीएससी हमेशा एग्जाम कंडक्ट कराती है, पीसीएस का भरोसा नहीं होता। जैसे हरियाणा की बात करूँ मैं तो एचसीएस वो 2014 के बाद अभी आया नहीं है, ऐसे ही आरएएस का एक दो साल, मतलब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 1 साल के बाद ऐसे होता है। लेकिन आप ये ऑप्शन जरूर है, जो स्टूडेंट्स जिसका जीएस पोर्शन एक स्ट्रॉन्ग होता है या एप्टीट्यूड होता है उनका, और जिनके पास टाइम भी है पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये जॉब है सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। फिर आ जाता है एसएससी सीजीएल, जो हमेशा हम बात करते रहते हैं। अब आता है रेलवे, पीछे रेलवे का एग्जाम हुआ था, लेकिन इस साल काफी लोग वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी आने की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, यहां तक कि फ्लाईओवर के उद्घाटन में भी सरकार के जो रेल मंत्री हैं या कोई दूसरे मंत्री, वो बोल देते हैं कि इससे 10 लाख जॉब क्रिएट होगी। तो जो एक्चुअल जो रेलवे में जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब, दूसरी भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो हाँ, बोल सकते हैं कि इसकी फिलहाल तैयारी है जॉब के साथ आप नहीं देख सकते। ऐसे ही डिफेंस और सीडीएस की बात करें तो इसमें वैकेंसी कम होती है और इसका आप तैयारी के साथ कम रिलेशन होता है, और आपका जो एक इंटरव्यू होता है या ग्रुप डिस्कशन होता है, इसका जो एसएसबी होता है वो मेन चैलेंजिंग होता है, तो इसकी तैयारी ऐसा कुछ नहीं होती। हाँ, जॉब के लिए आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है। और जो हो रही है आजकल, तो वो क्या है कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड है उसकी भी धीरे धीरे प्रेफरेंस इसमें बढ़ रही है, लेकिन वैकेंसी इतनी ज्यादा है नहीं इसमें। अब आ जाता है बैंकिंग, ये देख लेते हैं। बैंकिंग में बहुत विस्तार से डिस्कशन करूंगा तो उसका अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अब आता है टीचिंग से रिलेटेड, बहुत सारे जॉब टीचिंग की होनी चाहिए थी, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, लेकिन हो क्या रहा आज के टाइम में पूरे इंडिया में, कोई भी सरकार हो वो गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी, अतिथि अध्यापक या इस तरह की अलग अलग जुमलाबाजी चल रही है, और एक्चुअल में उनका शोषण ही हो रहा है, और बच्चों की पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कहने का मतलब है कि क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी खुल रही है, डिग्रियां बंट रही है और कॉलेज खुल रहे हैं, और टीचर है वहां पे कोई 5,000 दे रहा है किसी को, किसी राज्य में कोई 10,000 मिल रहे हैं किसी को, किसी को 15,000 मिल रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कभी उनकी परमानेंट जॉब होगी, और वो जो कि होने वाली कभी भी शायद न हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि टीचिंग एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही नहीं, टीचिंग इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही नहीं, और हम लोग बिना टीचिंग के भी इलेक्शन जीत सकते हैं, तो टीचर भर्ती करके क्या करेंगे, गेस्ट लगा देते हैं और उनको घुमाते रहेंगे, आप पक्का करते हैं, पक्का करते हैं, और वो इस आशा में क्या है कि वो लगे रहेंगे, इससे सरकार का भी खर्चा बच जाएगा और सरकार अपनी एडवर्टाइजिंग है, रैलियां हैं, वहां पर ज्यादा खर्चा कर पाएगी।
तो हालांकि ये चीज मैं बता देता हूं कि अगर कोई फीमेल है जो तैयारी कर रही है बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की, और वहां पे अगर कोई परमानेंट टीचिंग की जॉब अगर मिल रही है, तो उसके लिए वो बेस्ट हो सकती है। कॉलेज कैडर की जॉब बेस्ट हो सकती है, यूनिवर्सिटी कैडर की जॉब बेस्ट हो सकती है, लेकिन वो परमानेंट है तभी, वरना आपके खर्चे भी पूरे नहीं होंगे उस टीचिंग टाइप की जॉब में जो वो अतिथि के रूप में रखते हैं, जो 200 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा या जितना भी है उस हिसाब से देते हैं, और उसके बाद वो घंटों में कटौती हो जाती है और साल के 3-4 महीने आपको कोई काम नहीं होगा। तो बेटर ये है कि वो जॉब तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचिंग की परमानेंट जॉब है तो वहां पे जरूर अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी में से वो बेस्ट जॉब होगी। फिर आ जाता है पुलिस का। इस सेक्टर में भी जॉब है वो धीरे पिछले 1-2 साल में काफी देखने को मिली है, आने वाले टाइम में भी मिलेगी। शायद ये एक ऐसा सेक्टर है जो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सीजे लेवल तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है आपको, तो डेफिनेटली पुलिस एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है और आप इसमें रुचि रखते हैं तो ये भी जॉब है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके राज्य में निकल रहे, क्योंकि राज्यों से संबंधित है इसका। फिर आ जाता है अदर्स। अदर्स की बात मैं करूं तो जैसे कि पटवारी हुआ या हाई कोर्ट क्लर्क हुआ या इस तरह के जो राज्यों में जॉब निकलती रहती है, या केंद्र में भी जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उसकी भी अलग से जॉब निकलती है। तो अगर इस तरह की जॉब निकल रही है आप, क्योंकि वो सिलेबस आमतौर पर एसएससी का ही होता है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें अब स्टूडेंट का दिक्कत ये आती है कि इनका भरोसा नहीं है कब एग्जाम हो कब नहीं हो, क्योंकि स्पेशली राज्यों से रिलेटेड। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और जब एग्जाम हो तब आप दे सकते हैं, लगातार आप तैयारी करते रहें एसएससी की। अब देखते हैं कि एसएससी में भी जो कौन कौन सी आप एग्जाम होते हैं या जॉब होती है। एक एसएससी सीजिल का होता है जो सब जानते हैं और पिनेकल उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। उसके बाद सीएचएसएल, वो प्लस टू लेवल पे एग्जाम होता है और इंडिया में एकमात्र, मुख्यतः मैं बोलूंगा क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह भी प्लस टू लेवल पे हो सकता है या बाकी राज्यों में, डिपेंड करता है राज्य, हर राज्य का क्या सीन है, लेकिन मुख्यतः यही एक एग्जाम है जो प्लस टू लेवल पे आज के टाइम में हो रहा है। जो बैंक क्लर्क होते थे पहले 10th लेवल पे होते थे, क्योंकि अब दबाकर ग्रेजुएशन हो रही है, दुनिया भर के बीटेक तैयार है वो क्लर्क लेवल का भी ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए उसका स्टेटस बढ़ाने के लिए वो ग्रेजुएशन उन्होंने कर दी है पिछले 3-4 साल में। तो और इसके अलावा एसएससी है वो एमटीएस का एग्जाम होता है जो मैनुअल वर्क के लिए रखा जाता है, और एक आमतौर पे एफसीआई का एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वैकेंसी पिछले 2-3 साल से नहीं आ रही है और शायद 1-2 साल में और भी ना आए, तो कोई बड़ी बात है नहीं होगी, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग है वो चल रही है एफसीआई में भी, और सरकार को लगता नहीं है कि वहां पे रिक्वायरमेंट है अभी। तो अब जो बात कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो क्या सोचते हैं कि या तो बैंकिंग की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, और इसमें से बहुत सारे सोचते हैं कि अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो एसएससी की तैयारी हो जाएगी, और एसएससी की तैयारी करते हैं तो बैंकिंग की तैयारी हो जाएगी, और दोनों का जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें वो फर्क नहीं समझते। मैं इस प्रेजेंटेशन में इस मुद्दे पे ही ज्यादा फोकस करने वाला हूं कि बैंकिंग की नेचर ऑफ जॉब करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली है, और आपका जो दांव है अगर आप इस पे लगाते हैं तो इसमें क्या खास बात होनी चाहिए तब आप बैंकिंग की तरफ जाएं, वरना न जाएं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस की बात नहीं करूंगा कि दोनों के एग्जाम में क्या फर्क है, इसमें नेगेटिव मार्किंग, इसमें कट ऑफ क्लियर करना होता है हर सेक्शन में, उसमें नहीं होता, उस तरह की चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो शायद आपको पता भी है। लेकिन जो आपको पता नहीं है या आप जल्दी से समझना नहीं चाहते, सुन कई बार हो सकता है जो नेगेटिव चीज हो वो सुनना भी नहीं चाहते हो, लेकिन मैं इस पे जरूर डिस्कशन करूंगा जिससे कि आप बैंकिंग के बारे में अपनी धारणा है वो रियलिस्टिक में लाएं, और ऐसा ना हो कि आज अगर आप ज्वाइन भी करें तो 10 साल 7 साल के बाद दोबारा जॉब ढूंढें और आपकी छंटनी में आपका नंबर आ गया और उस दौरान आपके पास स्किल्स भी नहीं है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग का आने वाले 10 साल में 15 साल में क्या फ्यूचर हो सकता है। देखो आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर है उसका रीजनेबल प्रेजेंस है बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में, मैं बैंकिंग सेक्टर में बोलूंगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में तो आज के टाइम में भी प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेंस है। फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में क्या फर्क है कि फाइनेंशियल में तो बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, डेरिवेटिव आ जाते हैं, कमोडिटीज आ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ जाते हैं, बिटकॉइन वाली चीजें आ सकती है,
और बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे सिक्योरिटीज है वो आ सकती है, पूरी कैपिटल मार्केट है वो इसका हिस्सा है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी है, इन्वेस्टरी एडवाइजरी भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। बैंकिंग है वो एक किस्म से ट्रांजेक्शनल और मुद्दों से रिलेटेड है, जो कि पैसे से रिलेटेड लेन देन हो रहा है वहां पे, कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज इसमें नहीं है। हालांकि बैंक कुछ प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है उसका, उनके पास बंडल ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, जबकि पब्लिक सेक्टर के पास होने के बावजूद वो पिच नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा फाइनेंशियल सेक्टर में आज के टाइम में डोमिनेंस प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर है उसकी भी एक प्रेजेंस है। लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं मैं, जो कि एक इवैल्यूएशन का एक सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, सारे बैंकों को मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एचडीएफसी बैंक अकेले की है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बैंकिंग ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मान लो किसी के पास 10 ब्रांच है और 10 में से 8 दोष में है तो उसका फ्यूचर बड़ा डाउन है, वो लाइक लाइबिलिटी बनी हुई है, वो आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर नहीं है, वो ब्रांचेस बंद होने वाली है। लेकिन अगर उसका शेयर प्राइस है, उसमें लोग इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में, तो वो बैंक है या एंटिटी वो कभी भी अपना बड़े लग स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आज के टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर, उनके एनपीए इतने ज्यादा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी बैड है, एचआर प्रैक्टिसेस हैं, एचआर डिपार्टमेंट है वो डिजोल्ड बोलूंगा मैं, वो बिल्कुल खत्म ही है, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो उनकी ब्रांचेस है वो हाईली जो रेशनलाइज्ड होनी चाहिए वो बिल्कुल स्कैटर्ड है, कोई ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है। इसकी वजह से कोई भी अगर एक बैंक आज के टाइम में, जबकि मार्केट में काफी ज्यादा उछाल है, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा रिलायंस है, एचडीएफसी है, इन्होंने अपना आईपीओ लाए हैं, लेकिन कोई बैंकिंग सेक्टर है वो अपना रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि उनकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं लगाने वाला है मार्केट में। तो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत हाई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंचा हुआ है। जब कोई एक लॉस में जा रहा हो, एनपीए बढ़ रहा हो, उसका शेयर प्राइस डाउन हो, और जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी हालत में है, इस पे सरकार भी बोल रही है कि हाँ बुरी हालत में है, हम इसको बेल आउट कर रहे हैं, हम पैसा इसमें लगा रहे हैं, और लार्ज स्केल बैंकिंग कंसोलिडेशन की बात हो रही है। बैंकिंग कंसोलिडेशन का मतलब कि जो बैंक है, बहुत सारे बैंक है पब्लिक सेक्टर, उनको मर्ज करके 2-3 बैंक ही बना दिए जाए। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है, उसके बगल में कैनरा बैंक की, उसी के बगल में थोड़ी दूर के बाद में आज के टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस तरह से। अब ये तीनों ब्रांच की जरूरत नहीं है, जब बैंक है वो मर्ज हो जाएंगे तो क्या एक ब्रांच काफी होगी। अब एक ब्रांच में मान लो 20 एम्प्लॉई है, अब 20 की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये चीजें आ रही है, तो 4-5 एम्प्लॉय जैसे कि एचडीएफसी में काम करते हैं वो सारा काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो 20-20-20 एम्प्लॉय थे इसमें, और एक ब्रांच की में भी अगर छंटनी हो तो ये सोचिए कि 70-80% है वो फालतू के या मैनुअल टाइप के एम्प्लॉय है, जो कि आने वाले टाइम में उनके ऊपर जैसे बैंकिंग कंसोलिडेशन होगा तो वीआरएस रिट्रेसमेंट का प्रेशर आएगा, और ज्यादातर को हायर एंड फायर, जैसे मैंने बताया कि एचआर पॉलिसी बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, तो एचआर पॉलिसी जब डायनेमिक होगी तो उसमें जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग होंगे वो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, लेकिन मेजोरिटी लोग हैं 80% के आसपास है वो स्ट्रगल करेंगे, और 30-40% जो बॉटम वाले होंगे वो जो बिल्कुल अपने आप में इंप्रूव नहीं कर पाएंगे वो लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जब वो बॉटम में आएंगे तो डेफिनेटली क्या उनको बोल दिया जाएगा कि आप इसके लिए सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, और उनको बाय बाय कर दिया जाएगा। ये इस तरह का जो इन्वायरमेंट है ना, हालांकि 2-3 साल के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली 8 से 10 साल में ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनने वाला है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दूसरी बात, अगर उनको ये लगता है कि ये पब्लिक सेक्टर है और स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो ऐसा भी करंटली सोच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि बैंकिंग को अपने आप पे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, एनपीए डाउन करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय का ब्रांचेस का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, वरना वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान अगर बैंकिंग को, जैसे कि रिलायंस जैसा बैंक या और कोई आ जाता है, तो इनका जो ये इस तरह के बैंक है जो इनएफिशियंट काम करे वो तो साफ हो जाएंगे,
क्योंकि उनकी पॉलिसी होती है, उनकी जो स्ट्रेटजी होती है डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटजी होती है कि आप सामने वाले को खत्म कर दीजिए, इतनी चीजें कर दीजिए कि खत्म हो जाए वो, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है और इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो उनके पास है भी वो भी कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दो तीन मेजर बैंक बचने वाले हैं 8 से 10 साल के बाद में। हाई प्रेशर होगा ऑपरेशन के ऊपर कि वो डिलीवर करें, अगर डिलीवर नहीं करेगा तो मार्केट जो मार्केट है उसको बाहर कर देगी, क्योंकि मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसी में करेगा जो रिटर्न दे, जो रिटर्न नहीं देगा कोई शेयर या कोई बैंकिंग, तो रिटर्न का मतलब यहाँ एफडी पर रिटर्न वाली नहीं है बात, क्योंकि ये तो एक ऑपरेशनल चीज है। जो ऊपर वाली चीज होती है ना कि अगर मान लो बैंक को पैसा चाहिए और वो 10,000 करोड़ है, वो मार्केट में अपने शेयर को डायल्यूट करके लगाना चाहता है, एफपीओ लाता है, आईपीओ लाता है, तो उस तरह की सिचुएशन में क्या कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा इसमें? तो वो चीज होती है। अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इसका मतलब उसके पास में पैसा आएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट ने अपने पल्ले झाड़ लिया, तो जैसे आज के टाइम में रिलायंस कम्युनिकेशन का हाल है वैसे हो जाएगा कि आप डेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली कोलैप्स करना पड़ेगा। जैसे कि अनिल अंबानी वाली कंपनी है वो एकदम बाहर हुई है, टाटा जो टेलीकॉम सेक्टर वाली थी वो बाहर हुई है, और बहुत सारी कंपनी है जैसे कि हम देख रहे हैं टेलीकॉम में कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट के नजरिए से भी होगा, गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही है कि कंसोल्टेशन कीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार ऑफर भी गए हैं, स्पेशल डायरेक्शन भी गई गई है कि आप अपने बोर्ड मीटिंग कीजिए और इनएफिशियंट बोर्ड मैनेजमेंट को हटाया जाएगा। हाई प्रेशर टू डिलीवर इन ऑपरेशन वीआरएस रिट्रेसमेंट परफॉर्म और पेरिश, या तो आप परफॉर्म कीजिए या पेरिश कीजिए। परफॉर्म कौन करेगा? जो प्रेशर हैंडल करेगा, जो स्किल्स को लगातार इंप्रूवमेंट करेगा, जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक्सपर्ट होगा, और जो एक विचारधारा रखेगा हाँ मुझे परफॉर्म ही करना है, और ये गवर्नमेंट जॉब मुझे 9 से 5 या इस तरह की जो विचारधारा लेकर चले थे कि मैं बैंक में लग जाऊंगा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ऐसे होने वाली नहीं है। तो ये मैक्सिमम जो हनीमून पीरियड है इसका वो 2-3 साल तक और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चल सकता है, वरना बैंकिंग सेक्टर कोलेप्स हो जाएगा। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी, इसका ये जमाना आने वाला है। जो इसमें एक्सपर्टाइज रखेगा, जो बैंक रखेगा एक्सपर्टाइज या इम्प्लॉय रखेगा, उसी का फ्यूचर होने वाला है। सर आज के टाइम में देखो लोग कैश के लिए बैंक में जाते हैं, आने वाले टाइम में कैशलेस ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आज के टाइम में जैसे SBI भी कर रहा है कि वो कैश लेने के लिए भी मशीन का यूज कर रहा है। रोबोटिक्स का मतलब है मशीनीकरण, तो यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल होगा, आपको वहां पे आदमी नजर नहीं आएंगे, तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे कि वो बैंक ब्रांच है वो ऑपरेशनल एफिशिएंट हो जाएगी। जो अननेसेसरी जगह पे ब्रांचेस है, प्रॉफिट नहीं दे रही है, उस ब्रांच को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह के हालात होंगे। आप ये मत समझिए कि जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है या रूरल में बैंकिंग होनी चाहिए, वो सरकार ने जनधन के अंतर्गत करके पूरा देख लिया है और उसके जो तरीके हैं वो अलग हो जाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच खोल दी जाएगी और वहां पे 20 एम्प्लॉय होंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका जो मींस है डिस्ट्रीब्यूशन का वो चेंज होगा, हो सकता है मोबाइल कंपनियां करनी स्टार्ट कर दें, पेमेंट बैंकिंग का सिस्टम आएगा, तो वो चीजें ज्यादा होगी। इसलिए जो बैंक, अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, पहले लोगों के दिमाग में विचारधारा होती थी, फिर उन्होंने समझा कि नहीं ये गवर्नमेंट का प्योर नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद दिमाग में लोगों के आना स्टार्ट हुआ नहीं ये कमर्शियल बैंक है। अब क्या है कि मार्केट एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंक है, वही सरवाइव कर पाएगा कि मार्केट में एफिशिएंट हो, टेक्नोलॉजी उसकी शानदार हो, कॉस्ट उसके कम हो, प्रॉफिट वो दे, तो लोग बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। बैंक ही आगे इन्वेस्ट कर पाएगा जब बैंक में लोग इन्वेस्ट करेंगे, यही इसका फ्यूचर होने वाला है। मेरा मैसेज यह है कि जो बैंक में तैयारी कर रहे हैं वो इस रूप में तैयारी करें कि वो प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऐसे सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर आप परफॉर्म करते हैं, स्किल्स लगातार कंटिन्यू अपग्रेड करते हैं, तो आपके लिए जो भी अच्छी है। अगर आपके दिमाग में यह है कि सिक्योर है और मेरी परमानेंट जॉब लग गई, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप बहुत ही गलत दिमाग में बिठा रखा है आपने, ये परसेप्शन निकाल दीजिए। ये परसेप्शन आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे आज से 7-8 साल पहले या 5-6 साल पहले जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया था, उनके अनुसार तो बीटेक करते ही उनके पास कंपनी आएंगी, ऑफर आएंगे, अमेरिका का वीजा लगेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, 20 लाख का पैकेज होगा। आज के टाइम में क्या है, वो सारे के सारे बैंकिंग क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या वो विजुअलाइज करते हैं कि इतना घटिया क्वालिटी के जो एजुकेशन हो रही है उसमें कौन प्राइवेट सेक्टर में कैसे सर्वाइव करेगा? तो स्किल्स का अभाव था,
ऐसे ही जब ये आप बैंक में आज ज्वाइन कर रहे हैं, 7-8 साल या 10 साल के होरिजोंटल पे आप फ्यूचर देखेंगे उसका, तो आप पाएंगे कि उसका बहुत ही खतरनाक फ्यूचर होगा जो अपनी स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। और जब बारी आएगी छंटने की, वीआरएस की, रिट्रेंचमेंट की, पिंक स्लिप की, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फिट नहीं बैठ पाएगा। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा आप प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कीजिए, अपने स्किल्स के तैयारी कीजिए और ओपन रहिए पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के से रिलेटेड, कि अगर आप रिलायंस आए तो भी उसमें स्विच कर सकते हैं, अगर कोई और कंपनी आ रही है तो भी उसमें स्विच कर सकते हैं, आप एचडीएफसी में जा सकते हैं, आईसीएस में जा सकते हैं, परफॉर्म या पेरिश, ये एक प्राइवेट सेक्टर का मार्केट इकोनॉमी का मंत्र होता है, उसका आप हिस्सा बनिए। और इसको एसएससी की जॉब की तरह आप मत ट्रीट कीजिए। कई बार क्या होता है कि ये जॉब लगना थोड़ा आसान होता है आज के टाइम में, या इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो स्टूडेंट क्या है गुमराह हो जाता है कि हाँ ये तो मेरी अब सरकारी लग गई, ऐसा है नहीं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो एसएससी का उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, और पहले मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ कि जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर ये चेंज आ रहा है तो क्या एसएससी वाली जॉब के अंदर भी इस तरह के चेंज आ रहे हैं। देखो एसएससी वाली जो जॉब है उसमें भी चेंज आएंगे, लेकिन वो इतने डायनेमिक चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है, क्योंकि जब गवर्नमेंट की बात आ रही है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, और उसमें क्या है कि वो प्रॉफिटेबल के हिसाब से बैंक अपने आप को प्रॉफिटेबल देखना पड़ेगा बैंक को तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉफिटेबल मुद्दा नहीं है, यहाँ पे वो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो एक मान लो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्लोज करना पड़ा, तो उसके जो एम्प्लॉय है दूसरे में जा सकते हैं। हालांकि वहां यहाँ पे भी खतरा तो है 5-7% का, लेकिन वो इतना नहीं है अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो इतना नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं एक्साइज डिपार्टमेंट का, जीएसटी लगा है, और जीएसटी के बाद में जैसे कि मान लो कोई इम्प्लॉय करनाल में हरियाणा में काम कर रहा है, तो वो क्या है कि जो बेंगलोर है या साउथ इंडिया है, वो उनके जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटी की, वो उनको देख रहा होगा, उसका इंस्पेक्शन कर रहा होगा, और वहां वाला या हरियाणा वालों का कर रहा होगा या यूपी वालों का कर रहा होगा, तो वो सारा काम है ऑटोमेटिक इंटरनेट के जरिए हो रहा है। इसके बाद क्या कि अभी एक और सॉफ्टवेयर आ रहा है उनका, जिसके बाद आप सिर्फ ब्रांच में आप वही कंप्यूटर खोल पाएंगे और वही साइट चलेगी और कोई इंटरनेट की साइट नहीं चल सकती, और उसमें सारी चीज ऑटोमेटिक होगी, आपकी पंचिंग कब हो रही है, आप कब निकले, क्या काम किया, सारा का सारा पूरा एनालिटिक्स है वो बनकर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इंस्पेक्टर है या कोई भी जॉब लगे हैं तो आपका जो नेचर ऑफ जॉब है वो डेफिनेटली एक चेंज होने वाला है। यहाँ पे सिक्योरिटी शायद इतना बड़ा मुद्दा न हो, लेकिन डेफिनेटली जो लोग इस रूप में जा रहे हैं कि हमारे ऊपर की कमाई होगी, हमें पैसे देंगे लोग, यहाँ पैसे देंगे नहीं, आपने सर्विस नहीं की तो आपसे ले लेंगे लोग, तो उस नजर से तो आप जा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल और चल सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कहां पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आपने ऑपरेट किया, आपकी सोच क्या है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएगी। और आप कोई भी जो उल्टा सीधा काम करने ये सोच कि हम गवर्नमेंट है मजे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में गए, वो विचारधारा नहीं चलेगी। बस फर्क है यह है कि इसमें कंपेरेटिवली सिक्योर, और आपको इसमें भी स्किल्स इनहेंस करते हुए ग्रोथ करने वाली जो चीजें हैं वो इंसेंटिवाइज हो सकती हैं। ये 7-8 साल या 10 साल 12 साल का होरिजेंटल में हो सकता है, तो इतना डरने की तो जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट है, लेकिन जो आप ये भ्रष्टाचार वाली इनकम है उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं, वरना ये जो भी चली जाएगी। अब क्योंकि प्रमोशन से रिलेटेड मुझे बात करनी है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में भी देता हूं। देखो कि अगर आप सीएचएसएल वाला भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस है वो प्रमोशन के होते हैं। फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस का मतलब कि अगर मान लो कोई इंस्पेक्टर है, वो इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस के बेस पे भी, मेरिट के बेस पे भी, एग्जाम क्लियर करने के बेस के ऊपर भी, और वैकेंसी पर्टिकुलर जोन में आ रही है नहीं आ रही है, उस डिपार्टमेंट आ रही है नहीं आ रही है, कोई खाली हुई है नहीं खाली हुई है, उन कई फैक्टर्स के ऊपर प्रमोशन डिपेंड कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि सीएचएसएल का ज्वाइन किया हुआ ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी पहुंच सकता है, ये प्रोबेबिलिटी की बता रहा हूं मैं, बेशक कम हो लेकिन वो पहुंच सकता है। इसका मतलब आप +2 बेस पे भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप ज्वाइन कर रहे हैं एलडीसी, तो भी आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर सा होता है, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए कि अगर मैं सीएचएसएल भी ज्वाइन करता हूं मेरी रिक्रूटमेंट कहां पे होती है, किस स्टेज पे होती है। देखो ये होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है 10th बेस पे, एमटीएस आपने सुना होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम भी हुआ था, और वो भी चर्चा में इसलिए हुआ था कि क्योंकि वो भी
कहीं ना कहीं पेपर आउट हो गए, तो एसएससी एग्जाम चर्चा में इसलिए आते हैं पेपर आउट होने के बाद में, तो इससे पता चल जाता है लोगों को वहां वो भी जॉब होती है। लोअर डिविजनल कैडर ये सीएचएसएल वाले होते हैं जो अभी एग्जाम निकलना है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी तो मोटे तौर पे मैं पूरी ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ आपको। फिर ये होता है टैक्स असिस्टेंट, आपने सुना होगा टीए, जो एसएससी सीजिल का एग्जाम होता है उसके, तो ये प्रमोशन से भी हो सकता है, सीएचएसएल टीए भी बन सकता है और डायरेक्ट टीए हम देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद ये तीन प्रमोशन होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। देखो स्टेनोग्राफर भी एक अच्छी जॉब हो सकती है, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, वो कंपेरेटिवली आज के टाइम में जॉब लगना उसमें आसान है, क्योंकि वो एक स्किल बेस्ड ज्यादा जॉब है, तो जहां पे स्किल्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे लोग कम हो जाते हैं। तो आप जो लोग काफी जरूरतमंद है और बहुत अगले एक साल में जॉब चाहिए चाहिए, स्टेनो के रूप में आप वो देख सकते हैं, इसमें जॉब लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफिसर, और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, वो आप देखते हैं। तो इस तरह से ये जाकर आप ऐसे बन सकते हैं, सीएचएसएल वाला भी वहां पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट है, अप्रेजर है, असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये डायरेक्ट और प्रमोशन से भी पहुंच सकते हैं, मतलब कि एसएससी वाले भी पहुंच सकते हैं, वो भी यूपीएससी वाले भी आ सकते हैं। उसके बाद जैसे डिप्टी कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, कमिश्नर एडिशनल डायरेक्टर है, चीफ कमिश्नर है, तो यहां तक कहने का मतलब है कि ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर है, इस लेवल तक सीएचएसएल वाले आमतौर पर पहुंच सकते हैं, अगर उन्होंने सारी चीजें ठीक गिरी हैं, उनके पत्ते भी ठीक गिर रहे हैं, कि मतलब जोन में उसके पर्टिकुलर जगह पे वैकेंसीज आ रही हैं। ऊपर तक ये ऐसे पोस्ट जाती है चेयरमैन तक, सबसे बड़ी पोस्ट चेयरमैन है, मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल, यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, भले ही वो असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी ज्वाइन, क्योंकि वो वैकेंसी कम हो जाती है। तो ये था कि एसएससी क्या जो सीएचएसएल में ज्वाइन करके भी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि क्या सीएचएसएल का एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम होगा, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 2018 के लिए, तो उससे पहले 2-3 महीने पहले ये एग्जाम होगा सीएचएसएल का, और सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है। याद है कि कई बार स्टूडेंट को लगता है प्लस टू बेस पे होता होगा, आसान होता होगा, ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चन हो सकता थोड़े बहुत उसका हार्ड लेवल हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो आप जरूर इससे तैयारी कीजिए, और मेरा ये मानना है, क्योंकि ये 3-3.5 महीने के बाद एग्जाम होना है, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो ये मानकर चलिए कि 2018 का जो रास्ता है सीजीएल का, वो 2017 के सीएचएसएल से होकर जाएगा। और अगर आपने ये रास्ता मिस किया, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कंपटीशन लड़ने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बेशक से आप ग्रेजुएट हों, बीटेक हों, एमटेक हों, पीएचडी हों, एमए हों, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, इस बात को मत समझिए कि ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम, इसमें तो हो ही जाएगा। 70 लाख के आसपास लोग इसमें अप्लाई करेंगे, 30-35 लाख इसमें लोग एग्जाम देंगे, और उसके बाद 5 या 6 हज़ार जॉब में कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा। इसकी भी 3 स्टेज हम डिटेल में बाद में करेंगे, जब दूसरी प्रेजेंटेशन होगी, जब ये फॉर्म भी निकल जाएगा, कि पहले ये एमसीक्यू फॉर्मेट में, फिर ये जो ये लिखने वाला होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और फिर स्किल टेस्ट। तो ये 3 स्टेजेस में होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी से मन बना लीजिए कि सीएचएसएल का एग्जाम है, वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा, और गवर्नमेंट जॉब जो दूसरी है, जैसे कि पुलिस वाली है या रेलवे है, इनका सिलेबस मिलता काफी हद तक होता है, सिर्फ बैंकिंग का सिलेबस डिफरेंट होता है। बैंकिंग का मैंने पूरा खाका आपको बता दिया कि आप इसको प्राइवेट जॉब मान रहे हैं या सरकारी जॉब मान रहे हैं, इसको किस नजर से देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, अगली प्रेजेंटेशन में हम सीएचएसएल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।